ऐसा होता है कि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार करके लाया जाता है, हर 48 घंटे पे उनकी चेकअप होती रहेगी, मेडिकल चेकअप होगी। दूसरा चीज़, कोर्ट ने ये कहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स को साथ में उनके एडवोकेट्स को मीटिंग की इजाज़त होगी जो 30 मिनट के लिए मिल सकते हैं। सर, अब आप लोग 26 को जब वापस प्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वो अलग इशू है, अभी जो कोर्ट ने किया है उसके मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है एक्यूज की डिग्निटी को किसी और तरीके से हंट आप नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो पक्ष जो चिदंबरम को लेकर कहे गए हैं, सीबीआई को 4 दिन की उनकी रिमांड मिली है, लेकिन जो बातें 48 घंटे में उनका मेडिकल चेकअप होगा, दूसरी बात ये कि परिवार को और उनके लॉयर्स को दिन में 30 मिनट दिए जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए, तीसरी बात ये कि इस दौरान पी चिदम्बरम की डिग्निटी, जो आरोपी हैं उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा। अनुराग ढांडा और विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, 4 दिन की सीबीआई रिमांड, ये बड़ी असफलता पी चिदम्बरम की या सीबीआई की बड़ी कामयाबी? देखिए, बिल्कुल बड़ी असफलता है, और जो चिदम्बरम के लॉयर्स जो थे उनके लिए एक बड़ा फेलियर इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहां से जब कस्टडी के लिए सीबीआई ने जो मांग की थी उसके बाद